फ्रेंड्स देखिए, मैंने लंच ऑर्डर किया था और लंच आ गया है। फ्रेंड्स वो रहा हमारा रूम और हम जा रहे हैं अविका को पार्क में खिलाने। देखिए यहाँ पे बहुत प्यारा सा गार्डन है एक, जहाँ आप बैठ के डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कुछ भी कर सकते हो। क्या बेटा, बहुत सुंदर पुल है। और बतख, बतख बोलो, बतख है, रोते नहीं है। फ्रेंड्स ये है रिसेप्शन यहाँ का, और ये है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद मैं आपको पूरा रिसॉर्ट घुमाऊंगी। एंट्रेंस गेट से लेके पूरा अंदर तक मैं आपको पूरा रिसॉर्ट घुमाऊंगी। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप मेरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स ये है रिसेप्शन यहाँ का, और ये है एंटर्ड गेट। चलो लो, आते हैं। गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। फ्रेंड्स देखिए, मैंने लंच ऑर्डर किया था और लंच आ गया है। फ्रेंड्स ये पनीर बटर मसाला, और ये है रोटियाँ, नॉर्मल रोटी है ये, ये है तवा रोटी, और साथ में सैलेड है और बटर है। वो देखिए बटर बहुत पसंद करती है ये, अभी से बिना खोले खा रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा देर में मिलती हूँ लंच फिनिश करके। फ्रेंड्स वो रहा हमारा रूम और हम जा रहे हैं अविका को पार्क में खिलाने। फ्रेंड्स ये रिसोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी में फैला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे जो रूम से जो एग्ज़िट गेट है वो बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, और पुल के लिए भी बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। वो देखिए आगे तक है यहाँ पे, तो मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से कॉटेज बने हैं यहाँ पे, और जिसे कैंपियन पसंद हो तो ये टेंट में भी रुक सकते हैं, वो उन लोगों के लिए टेंट भी अवेलेबल है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये रामनगर का बेस्ट रिसॉर्ट है, और ये रहे टेंट। ये है टेंट,
सुबह हम पूल में हो के आ चुके हैं, अभी शाम का वक्त है, तो मैं इसे लेके आई थी पार्क में खेलने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दूं। यस बेबी, हाँ देखिए यहाँ पे बहुत प्यारा सा गार्डन है एक, जहाँ आप बैठ के डिनर लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी कर सकते हो। क्या बेटा, क्या क्या चाहिए? हम वहाँ पार्क में जाएंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा, फ्रेंड्स ये जो रिसॉर्ट के जो रूम्स है वो सारे बुक है, यहाँ पे एक भी इस टाइम पे खाली नहीं है। और ये रामनगर में है, तो जो कॉर्बेट फॉल देखने आने वाला है यहाँ पे आ सकता है। और अब देखो मंकी, मंकी मंकी है ना, ये देखिए कितना अच्छा गार्डन है ये। अभी यहाँ पे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि अभी धूप है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे ये रूम्स है तो हर एक बिल्डिंग में चार रूम है, और यहाँ पे एक दो झूले भी लगे हैं। ये देखिए इस तरीके से हर रूम के बाहर से आपको मिल जाएगा। और वो सामने रहा पुल, और फ्रेंड्स पुल बहुत बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा पुल है। यहाँ पे हम लोग सुबह स्विमिंग के लिए गए थे, लेकिन ये अभी भाविया ने हमें स्विमिंग करने नहीं दी क्योंकि ये जाने से डर रही थी पानी में। अगर ये जाती तो मैं भी जाती इसके साथ। ये देखिए बच्चों के लिए अलग है और बड़ों के लिए अलग है। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे 3 दिन रुके हुए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कल पूरा स्विमिंग दिखाऊंगी। अभी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगी। ये देखिए बहुत सुंदर पुल है, और मुझे चलते चलते 10 मिनट हो गया है, बट अभी भी हमारा पार्क नहीं आया है। वो रहा पार्क, बतख 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 कच्ची कच्ची कर देगा आपको। हाँ बतख बतख बोलो, बतख बतख बोलो, बतख बतख। यहाँ इस जगह का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर आके विजिट कर सकते हो और यहाँ पर स्टे कर सकते हो। क्या बच्चे रोते नहीं है? यहाँ पे हर चीज का पूरा ध्यान दिया गया है, चाहे वो बच्चे से लेके बड़ों तक और बुजुर्गों के लिए भी पुल है। यहाँ पे पुल है, यहाँ पे स्पा है, मसाजिंग, यहाँ पे हम लोग मसाज भी करवा सकते हैं, और यहाँ पे हॉल भी है मूवीज देखने के लिए। और बहुत फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी बर्ड मेंशन है वो आपको सारी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी।
और ये हम लोग वापस जा रहे हैं पार्क से अब रूम को, क्योंकि इसको मैंने जितना खिलाना था खिला लिया वहाँ पे, अब ये कह रही है चलने के लिए, तो इसको शायद ये सो जाए अब, तो मैं इसे सुला देती हूँ गैस। और ये देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा पार्क है, और ऐसे पार्क यहाँ पर दो या तीन होंगे। देखिए मैं आपको इसे पूरा दिखा नहीं सकती क्योंकि इतना बड़ा है कि मुझे ये यहाँ पे इसे दिखाते दिखाते फ्रेंड्स पूरा दो तीन दिन निकल जाएगा, तो इसलिए मैं आपको इसको शॉर्ट शॉर्ट करके दिखाऊंगी, जितना भी आपको समझ में आ जाएगा इतना दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने लिए और भाविया के लिए फ्रेंच फ्राइज मंगाए थे इवनिंग के लिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नैक्स खा लेंगे, उसके बाद डिनर मंगाएंगे हम लोग। ये रुक नहीं रही है, ये मांग रही है, तो मैं इसे फटाफट दे देती हूँ, दे रही हूँ। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं आपको मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।